आगामी बोर्ड परीक्षा में 100% परिणामों के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। मंगलवार को बीटीआई रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल प्राचार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे ने बताया कि बैठक में 15 बिंदुओं पर चर्चा कर प्राचार्य को बताए गए सुझावों पर अमल करने के निर्देश दिए गए। विभाग का आगामी परीक्षाओं में 80% परिणाम लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा छात्रवृत्ति मैपिंग, अकाउंट अपडेशन, जीवन कौशल जैसी योजनाओं का काम समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में 230 प्राचार्य शामिल हुए। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। प्राचार्यों को बुलाया गया, क्या निर्देश दिए गए? वार्षिक परीक्षाएं बहुत नजदीक है और जिले का बेहतर परीक्षा परिणाम कक्षा 10वीं और 12वीं का आए, इसलिए प्राचार्यों से यहाँ रूबरू हो रहे हैं और प्राचार्यों से सभी से अपेक्षा हम ये कर रहे हैं कि अभी जो 2.5-3 महीने बचे हैं उसमें हमारे सभी टीचर्स पूरे लग जाएं और बच्चों को खूब पढ़ाएं, निदानात्मक कक्षाएं लगाएं और टारगेट सेट करें कि हमारे बच्चे जो है 70-80% से ऊपर नंबर लाएं। कमज़ोर बच्चों पर विशेष ध्यान रखने के लिए हमने कुछ टेक्निक्स बताई है, कैसे उनकी मैपिंग करना और क्या करना। साथ में विभाग के अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जा रही है, छात्रवृत्ति का है, सेंक्शन का है, कैरियर गाइडेंस है, लाइफ स्किल है, जितनी भी विभाग की योजनाएं चल रही है, कुल हमारा 10 से 15 बिंदुओं पर हमारे यहाँ डिस्कस हो रहा है और हमारा पूरा दिन का शेड्यूल है। 11 बजे से हम 4-5 बजे तक ये मीटिंग करेंगे और 1-to-1 बात भी कर रहे हैं। इसमें कुछ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं कि जो विसंगतियाँ है या जो पेंडिंग है कार्य नहीं कर हमारे जितने भी पेंडिंग कार्य हैं उनके लिए हमने अल्टीमेटम दिया है, कुछ समय सीमाएं दी है अलग अलग कार्यों की और यदि वो समय सीमा में कार्य नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई जो है कलेक्टर महोदय के समक्ष पुट अप कर देंगे। इसमें रहेगा और जो स्कूल तरह को फैसिलिटी मिलेगी वो बहुत हाईटेक फैसिलिटी मिलेगी। अगर अपना स्कूल का सिलेक्शन होता है तो ये कम से कम 27,360 करोड़ की योजना है इंडिया लेवल, इसकी लागत से तैयार होगा ये। तो कृपया इसमें अपने स्कूल का अगर सिलेक्शन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, हमें इसमें काम करना चाहिए क्योंकि यहाँ एमपी लेवल पर ठीक है पर जो सेंट्रल लेवल से मुझे सुविधा प्रोवाइड होगी वो बहुत बड़ी बात है ना। तो मेरा निवेदन ये है कि इसको भी आप इसको कृपया करवाएं। दूसरी बात, अभी कक्षा 5वीं और 8वीं के आरएस के एमपी पोर्टल पे एग्जाम कंडक्ट उसका ऑनलाइन बच्चों का सत्यापन वेरिफिकेशन काम चल रहा है, जिसमें जिले में अभी भी गवर्नमेंट की 175 स्कूल और प्राइवेट की 180 स्कूल का डेटा अभी फिल नहीं हुआ है, जबकि हम यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिदिन या सभी रमसा ग्रुप में भी हमारे इसमें एसएसए ग्रुप में भी सब जगह में इसकी सूची वायरल कर रहा हूँ। जिले के सभी शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी प्राचार्यों को यहाँ आज बुलाया है और कार्यशाला का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आगामी परीक्षाओं में बेहतर परीक्षा परिणाम कैसे लाएं, उसके लिए सभी प्राचार्यों को बुलाया है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में हमारी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली है तो सभी प्राचार्यों से हमने अपेक्षा की है कि सभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें जोड़ दें, बच्चों को नियमित पढ़ाई कराएं और रेमेडियल क्लासेस लगाएं। इसके साथ साथ विभाग के अन्य बिंदु भी है, स्कॉलरशिप सेंक्शन का काम है, पुराने अकाउंट अपडेशन का कार्य है, साथ ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जो अन्य गतिविधियां चल रही है, जीवन कौशल शिक्षा है, सेल्फ डिफेंस है, कैरियर गाइडेंस है, इन सब का भी वास्तविक स्तर से जमीनी स्तर पर जो है इनका क्रियान्वयन हो। 236 प्राचार्यों को बुलाया है और साथ में हमने सभी 9 विकासखंड के BO BRC को भी बुलाया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।